हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बाकी हॉरर, थ्रिलर और स्लैशर मूवी से बिल्कुल ही अलग होने वाली है, और मैं इस तरह की मूवी को पहली बार अपने इस चैनल पर लेकर आया हूँ। तो ऐसा क्या खास होने वाला है इस मूवी में, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं और उसके साथ ही एक और औरत लेटी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पास वाली औरत मर चुकी हो और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ी हुई लग रही थी। इस औरत का नाम एमिली था और वो बिना कपड़ों के मरी हुई लड़की के साथ में बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। फिर वो बेड से उठकर खुद को आईने में देखती है, जिसके बाद में एमिली बाथरूम में उस मरी हुई लड़की के टुकड़े करती है और खुद अपने ऊपर से खून को साफ करके उस लड़की की डेड बॉडी को बैग में भरती है। फिर वो उसे एक खेत में जलाने के लिए ले जाती है, जिसके बाद में वो उस लड़की की बची कुछ हड्डियों को एक वेयर हाउस में जाकर उसे दफन कर देती है। अब इन सारी घटनाओं को एक आदमी नरेट कर रहा था, तो ये आदमी कौन है और एमिली ने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत ही बड़ा राज है जो कि मूवी के एंड में खुलेगा। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रहिएगा। फिर अगले सीन में हम एमिली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि मोबाइल में देखकर बार बार अपने आप को एमिली इंट्रोड्यूस कर रही थी। फिर एमिली अपने घर पर पहुंचती है, जहाँ पर जाते ही वो ड्रग्स लेती है और हम उसके हाथ में एक मार्बल यानी कि एक कंचे को देखते हैं। एमिली नशा कर रही होती है कि तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल परेशान था। एमिली पिछले 3 दिनों से अपने घर पर नहीं आई थी और उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। एमिली का पति पुलिस को उसके घर लौटने के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन एमिली ऐसा करने के लिए उसे मना कर देती है। फिर एमिली उसे ऐसा करने से रुकती भी है, लेकिन फिर भी जब उसका पति पुलिस को कॉल लगा रहा था तभी पीछे से आकर एमिली उसके हस्बैंड को चाकू से स्टैब कर देती है। उसका पति जेम्स मारा जाता है। फिर एमिली अपने पति को बांधकर उसे पॉलिथीन में ढक देती है और फिर वो उसके खून को भी साफ करती है। एमिली उसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक खाती है और इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली के पेट में चोट लगी हुई थी और उसके शरीर में एक तरीके का इन्फेक्शन भी हो रहा था। फिर अचानक से एमिली के घर पर एक डिटेक्टिव आता है। इस डिटेक्टिव का नाम फ्रेडी था। ये कहता है कि उसके जेम्स से एमिली के गुम हो जाने के सिलसिले में बात हुई थी और वो उसे ये भी पूछता है कि वो अपने घर पर वापस कब लौटी। एमिली फ्रेडी को देखकर डर जाती है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है। फ्रेडी देखता है कि उसका घर बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था, जिसके बाद में एमिली फ्रेडी के लिए कॉफी लेकर आती है। वो फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसके हाथों को जोर से दबा देती है। उसके हाथ दबाते ही फ्रेडी कुछ नहीं कर पाता है और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। वो देखते ही देखते फ्रेडी का पूरा शरीर सूख जाता है। यहाँ पर अब एक अजीब सी चीज होती है कि एमिली का रूप बदलकर अब वो फ्रेडी के रूप में आ गई थी और अब वो फ्रेडी की ही तरह बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर एमिली अब फ्रेडी का रूप लेकर फ्रेडी की असली सड़ी बॉडी के चेहरे को डैमेज कर देती है ताकि वो पहचान में नहीं आए और उस बॉडी में आग लगाकर वो वहां से निकल जाती है। बाहर उसे एक डिलीवरी बॉय भी दिखता है, जिसे इग्नोर करके एमिली यानी कि फ्रेडी वहां से चला जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जिस एमिली को देखा वो एमिली थी ही नहीं, क्योंकि मूवी की शुरुआत में हमने एमिली को एक मरी हुई लड़की के साथ में देखा था। यानी कि एमिली पहले वो लड़की थी, फिर उसके बाद में वो एमिली की बॉडी में आई। तो आखिर कौन है ये जो कि बार बार अपना रूप बदल रहा है और क्यों वो एक शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फ्रेडी कार में था और वो फिर कार को एक ड्रग डीलर के पास में ले जाकर रोकता है और उससे कुछ ड्रग छीन लेता है। फिर वो कार में ड्रग लेता है, जिसके बाद में फ्रेडी एक बार में जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था। बार के बाहर एक कुत्ता मैक्स था जो कि फ्रेडी के अंदर के बेरूपिये को हर बार पहचान जाया करता था, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। बार के अंदर फ्रेडी एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और वो उसके पास ही बैठी जूलिया नाम की एक लड़की के लिए भी ड्रिंक ऑर्डर करता है। दरअसल फ्रेडी यहाँ पर अक्सर रूप बदल कर आता था और उसे जूलिया यहीं पर मिलती थी और तो फ्रेडी जूलिया से प्यार भी करता था। फ्रेडी इस बार खुद को जूलिया से इंट्रोड्यूस करवाता है, दोनों में बातें भी होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों साथ में कई ड्रिंक पीते हैं, जिसके बाद में वो बार से निकलकर किस करते हैं। अचानक से फ्रेडी के पेट में फिर से दर्द होता है और वो जूलिया को वहां से जाने को कहता है। यहाँ पर जो घाव हमने एमिली के शरीर पर देखा था वही घाव फ्रेडी को भी था। फिर फ्रेडी वहां से दर्द में तड़पता हुआ एक कार के पास में जाता है, जिसके अंदर एक आदमी एक लड़की के साथ में बैठा हुआ था। उसे पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है और किसी और लड़के के साथ में बाहर था। फिर फ्रेडी इस आदमी के भी दोनों हाथों को पकड़ता है और अब फ्रेडी इस आदमी को रूप ले लेता है, जिसका नाम सैम था। फ्रेडी अब सैम बन चुका था और सैम फ्रेडी की बॉडी को ठिकाने लगाता है और अपने घर यानी कि सैम के घर पर चला जाता है। यहाँ पर सैम की पत्नी मैरी उसका इंतजार कर रही थी।
अब अगले दिन सैम को भी अपने पेट वाली जगह पर दर्द हो रहा था और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सैम एक डेंटिस्ट था और उसे अपने क्लिनिक में उसकी कलीग रेचल मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम के अंदर जो भी है उसे अपने होस्ट की बॉडी की सारी मेमोरी रहती है और उसे अपने होस्ट की जिंदगी भर की सारी बातें याद रहती थी। सैम फिर एक पेशेंट की सर्जरी भी करता है जिसमें उसे जरा भी दिक्कत नहीं होती है। जिसके बाद में हम सैम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर उसे जूलिया दिखाई देती है और उसे फिर से जूलिया की याद आती है। अब शाम होने पर वो अपने घर पर जाता है जहाँ पर वो अपने असली परिवार को याद करता है क्योंकि उसे अपना रूप बार बार बदलना पड़ता था और उसका कोई भी परिवार नहीं था। अब सैम फिर से उसी बार में जाता है जहाँ पर वो फिर से जूलिया से मिलता है। वो उसे बताता है कि किस तरह उसे अपनी पत्नी और अपना परिवार पसंद नहीं है और वो उनसे भागकर यहाँ पर अक्सर आ जाया करता है। जूलिया भी सैम को बताती है कि उसका भी पति और एक बच्चा था जो कि 3 साल की उम्र में ही मर गया था। फिर एक दिन जूलिया का पति भी उसे छोड़कर चला गया और इतना कहकर जूलिया रोने लगती है और कहती है कि वो अपनी यादें भुलाने यहाँ पर आती है। अब बाहर से निकलकर सैम एक मोटल में रुकता है जहाँ पर वो फिर से ड्रग्स लेता है, यानी कि अब उसे फिर से किसी और की बॉडी चाहिए थी। सैम की बॉडी भी अब सड़ने लगी थी और उसे अब और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। फिर वो अपने दोस्त रेचल को फोन लगाता है जिसके साथ में वो उस दिन कार में था। अब वो रेचल को बताता है कि उसे रेचल की जरूरत है और वो उसे मोटल में मिलने के लिए बुलाता है। रेचल अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ में थी लेकिन वो फिर भी सैम से मिलने उसके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। रेचल जब सैम के मोटल पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पूरा अंधेरा था और सैम का चेहरा सड़ रहा था। सीन यहां पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम पूरी तरीके से सड़ चुका था और अब सैम ने रेचल का रूप ले लिया था। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रेचल फार्मेसी में काम करती थी जहाँ से उसे एंटीबायोटिक आराम से मिल सकती थी। फिर रेचल एंटीबायोटिक पिल खाती है और वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को कॉल करके निकल जाती है। रेचल फिर सैम की बॉडी को जलाने उसी खेत में आती है और वो उसकी बॉडी को जलाकर उसे ठिकाने लगा देती है जहाँ पर उसने कई सारी बॉडी को ठिकाने लगाया था। तभी वहाँ पर एक औरत खेत में कुछ जलता हुआ देख लेती है और रेचल वहाँ से भागकर जाने लगती है, लेकिन वो औरत उसे भागता हुआ देख लेती है। जिसके बाद में रेचल तुरंत अपने क्लिनिक पर आती है और कुछ एंटीबायोटिक चुरा कर अपने घर पर चली आती है। फिर वो रात में उसी बार में जाती है जहाँ पर पहले तो उसे मैक्स पहचान लेता है और बार के अंदर आने पर वो देखते है कि जूलिया वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। रेचल जूलिया से बातें करती है क्योंकि रेचल के अंदर रूप बदल कर रहने वाला इंसान जूलिया से बहुत ही प्यार करता था। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं जिसके बाद में जूलिया रेचल को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि वो एक काउंसलर है और वो जब चाहे जरूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सकती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर रेचल के लिए एक ड्रिंक बाय करता है और तब जूलिया वहाँ से चली आती है। लेकिन रेचल बार बार जूलिया को ही देख रही थी। वो देखती है कि जूलिया एक आदमी से बातें कर रही थी जो कि रेचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें रेचल का स्केच दिखाया जाता है क्योंकि खेतों में रेचल को एक औरत ने देख लिया था। रेचल अब उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी रेचल को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो रेचल के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेचल उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ पर ड्रग लेते हैं लेकिन फिर भी वो आदमी उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर रेचल किचन से एक चाकू लेकर आती है और दोनों के बीच में हाथापाई होती है। वो आदमी रेचल से चाकू ले लेता है और फिर रेचल एक लैंप से उसका सर फोड़ देती है और उसे चाकू से स्टेप करके मार डालती है। रेचल अब वहाँ से अपने कपड़े बदलती है और बाहर आती है। वो देखती है कि उस आदमी के पड़ोसी ने वहाँ पर पुलिस को बुलवा लिया है, लेकिन रेचल पुलिस से बचकर वहाँ से भाग जाती है। रेचल की बॉडी को अब जल्दी ही एक नया होस्ट चाहिए था। वो जैसे तैसे रात गुजारती है और देखती है कि उसकी बॉडी अब सड़ रही थी। उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड के कई सारे कॉल आ चुके थे और उसका बॉयफ्रेंड भी अब उसे ढूंढ रहा था। उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते ढूंढते उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि रेचल से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो जूलिया को अपने बारे में सच बताना चाहती थी। रेचल के पास में जूलिया का एड्रेस था और वो देखती है कि जूलिया का अब एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रॉबर्ट था। रेचल को भी अब जल्दी से जल्दी एक नया होस्ट चाहिए था क्योंकि उसकी बॉडी अब सड़ने लगी थी और उसके हाथों से अब पस भी बाहर निकल रहा था जो कि देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था। जूलिया फिर रॉबर्ट के घर पर पहुंचती है और जल्दी ही वो अब रॉबर्ट को अपना नया होस्ट बना लेती है। यहाँ पर अब हम रेचल को रॉबर्ट के रूप में देखते हैं जो कि जूलिया को अपने साथ पर डेट के लिए बुलाता है, लेकिन जूलिया उसे अपने घर पर बुला लेती है और वहीं पर रॉबर्ट जूलिया से अपने दिल की बात कहने वाला था। यहाँ पर हम रॉबर्ट के हाथों में वही मार्बल देखते हैं
जो कि उसके पास में हमेशा से रहा करती थी। वो दोनों अपनी शाम अच्छे से बिताते हैं और रॉबर्ट उसे बताता है कि उसे उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता है और उन दोनों के बीच में कनेक्शन है। दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जहाँ पर जूलिया रॉबर्ट के पेट में उसी घाव के निशान को देखती है, लेकिन रॉबर्ट बहाना बना लेता है। फिर दोनों रात में इंटीमेट होते हैं और अपनी रात को अच्छे से बिताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अब साथ में रहने लगे थे और दोनों को एक दूसरे का साथ भी पसंद आ रहा था। फिर एक दिन जूलिया टीवी देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि रेचल एक मर्डर है और उसने कई सारे लोगों को मारकर खेत में बने हुए वेयर हाउस में दफना दिया है। जूलिया इस न्यूज को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही रेचल से मिली थी। तभी वहां पर रॉबर्ट आकर उस टीवी को बंद कर देता है। फिर अब रॉबर्ट के हाथों में भी अब सड़न आने लगी थी और अब उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। जूलिया को रॉबर्ट की चिंता हो रही थी। फिर रॉबर्ट खुद को संभालता है और अब वो जूलिया को खुद को छूने से भी मना कर रहा था। रॉबर्ट अब अपना रूप बदलने से पहले जूलिया को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था। वो उसे शांति से बैठने को कहता है और उसे बताता है कि जब वो 12 साल का बच्चा था, तब उसकी माँ की मौत हो गई। उसे ऐसा लगता था कि वो एक एक्सीडेंट होगा, लेकिन असल में उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई थी। रॉबर्ट ये भी बताता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो वो बात 1954 की है, लेकिन जूलिया इस बात को मानने से मना कर देती है कि रॉबर्ट इतना ज्यादा बूढ़ा होगा। अब फिर रॉबर्ट जूलिया के सामने उसका सबसे बड़ा राज खोलता है। वो कहता है कि वो लोगों से उनकी जिंदगियां छीन लेता है, साथ ही साथ उनका रूप भी छीन लेता है और उनकी यादें और उनका सब कुछ छीन लेता है। जूलिया को ये सब एक बकवास लग रही थी तो वहां से उठकर चली आती है। तब रॉबर्ट उसे रुकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो जूलिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो ऐसा आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से करता है। वो ये बताता है कि रॉबर्ट का रूप लेने से पहले वो कई बार जूलिया से मिल चुका है। वो उससे अपना नाम ड्रू बताता है। यहाँ पर रॉबर्ट जूलिया के पति का नाम भी बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जब जूलिया का पति उसे छोड़कर चला गया था तो ड्रू ने जूलिया के पति का रूप लेकर उसे मार दिया था। जूलिया की यादें उसके पति के अंदर थी और तब से ही ड्रू जूलिया से प्यार करने बैठा था। ड्रू यानी कि रॉबर्ट जूलिया को वो सारी बातें भी बताता है जो कि सिर्फ उसके पति को ही पता थी। रॉबर्ट को असल में खुद नहीं पता था कि उसके साथ में ये सब कैसे होता है और वो कौन है। वो बस खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन वो हमेशा से ही जूलिया से प्यार भी करता था। जूलिया उसकी बातों को सुनना नहीं चाहती थी। वो रॉबर्ट के ऊपर टेजर गन चलाकर उसे गिरा देती है। फिर वो रॉबर्ट के ऊपर चढ़कर उसे फिर से शॉक देकर मारना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट उसे रोकने के लिए उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते ही जूलिया का शरीर सड़ने लगता है और रॉबर्ट के हाथों ही जूलिया की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने अब जूलिया का रूप ले लिया था और वो जूलिया की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी था और लगातार रोए जा रहा था। सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हम जूलिया यानी कि रॉबर्ट को उसी बार में देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। फिर जूलिया के अंदर का ड्रू ये डिसाइड करता है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा, भले ही उसकी बॉडी सड़े या उसके साथ कुछ भी हो। जिसके बाद हम ड्रू को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पर वो सड़ रहा था और अपनी मौत खुद चुनता है। फिर जब ड्रू का शरीर पूरी तरीके से सड़ जाता है तो उसके चारों ओर एक चमड़ी की लेयर एक अंडे की तरह बन जाती है और उसके फटते ही उसके अंदर से एक 80 साल का बूढ़ा आदमी बाहर आता है। असल में ड्रू था जो कि अब अपने असली रूप में था। वो बूढ़ा हो चुका था और अब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि रॉबर्ट, रेचल और सैम इन सभी के अंदर रह रहा ये इंसान यानी कि ड्रू कौन था। तो दोस्तों, असल में यहाँ पर ड्रू एक स्किन वॉकर था। स्किन वॉकर को अक्सर शेप शिफ्टर भी कहा जाता है, जो कि किसी का भी रूप ले सकता था। मूवी की शुरुआत से ही ड्रू अनेक रूप बदल चुका था। वो 1954 में 12 साल का था, यानी कि उसकी उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी थी। उसने अपना पहला शिकार उसकी माँ को बनाया और उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ में ये क्यों हो रहा था। वो बस अपने आप को जिंदा रखना चाहता था। ड्रू किसी का भी रूप उसके हाथ को पकड़कर ले लेता था, बदले में सामने वाले की मौत हो जाती थी और वो उसके शरीर के साथ में उनकी यादें भी ले लिया करता था। ड्रू तभी अपना रूप बदल सकता था जब उसकी बॉडी सड़ने लगे। वो एंटीबायोटिक खाता था जिससे कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ती थी, और ड्रग लेने पर उसकी बॉडी जल्दी सड़ती थी जिससे कि वो जल्दी से किसी और का भी रूप ले सकता था। ड्रू को जूलिया से प्यार भी हो गया था, लेकिन वो कभी भी एक शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता था। वो बार बार रूप बदल कर उससे मिलने की कोशिश करता था, लेकिन अंत में ड्रू के हाथों जूलिया मारी गई। ड्रू ने भी जूलिया के मरने के बाद में ये सोचा कि अब ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, कि वो अपने प्यार को भी नहीं पा सकता। वो अपनी बॉडी को सड़ने देता है, लेकिन पूरी तरीके से सड़ने के बाद में उसका जन्म अपने असली रूप में होता है, जैसे कि एक तितली होती है जो कि अपना रूप बदलती है
और ठीक उसी तरीके से ही इस मूवी का नाम भी लाइफ चेंजर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर अपने द्वारा एक्सप्लेन की गई सारी मूवी डालता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।